इश्वानी के सभी दर्शकों को मेरा जय यीशु और तेरे लिए के इस न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड में मैं आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नया साल हम सभी के लिए शुभ हो और आशा करती हूँ प्रभु ईसा के आशीष से हम सब सफलता प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं पहला गीत वंशिका के लिए। आशा करते हैं वंशिका को गीत पसंद आया होगा। चलिए अब संकल्प लेते हैं कि प्रभु ईसा के सुसमाचार को हर व्यक्ति तक पहुंचाएं। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत जो डेडिकेटेड है आशीष को। कहीं नहीं, अब है पूरा
आशीष को न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, सुख और दुख दोनों जीवन में लगे रहते हैं और संगीत ऐसा माध्यम है जो मन पर प्रेम का मलहम लगाता है। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत जो डेडिकेटेड है संप्रदा को। संप्रदा को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और चलिए चलते हैं खुशियों की यह लहर लेकर वंदना के घर और दिलों में नए साल के हर्ष का एहसास करते हैं। तो सुनिए ये गीत। रब रहेगा तेरे
सबको तू माफ कर, खुद ना इंसाफ कर, उस पे तो हक बस खुदा का ही है। तू औरों से इस कदर मिल, जैसे तू चाहे वो तुझसे मिले। ईश्वर तू ही मान ला, तो पर्वत भी तेरे हुकुम पे चलेगा, नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग, वो तो है तेरे दिल में। हाँ क्यों तू बाहर उसे ढूंढता, नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे। हम आशा करते हैं वंदना को गीत पसंद आया होगा। दोस्तों, प्रभु ईसा से बड़ा कोई मित्र नहीं है, वे तो शत्रुओं से भी प्रेम करते थे। तो आइए नए साल में सभी को दोस्त बनाएं और प्रभु ईसा को दिल में लाएं। अब मैं निकिता पोरवाल आपसे अलविदा चाहूंगी, मिलते हैं अगले एपिसोड में, और तेरे लिए की ओर से आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। Ga ma ma ga ma ba ni ba ma ba sa ni ba ma ga.